नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया था जहां पर हमने होमले फिल्म्स की सक्सेस स्टोरी पर चर्चा करी थी। उस वीडियो में किसी और प्रोडक्शन कंपनी को लेकर अगर सबसे ज़्यादा कमेंट आए थे तो वो थी मैत्री मूवी मेकर्स। इसलिए आज का हमारा ये वीडियो पूरी तरह से मैत्री मूवी मेकर्स पर ही डेडिकेटेड रहने वाला है, जहां पर हम इस कंपनी के सक्सेस स्टोरी के साथ साथ इनके फ्यूचर प्रोजेक्ट पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, एक समय तक ऑडियंस सिर्फ बड़े स्टार के चेहरे पर फिल्में देखने जाती थी, मगर जैसे जैसे ऑडियंस अवेयर होती जा रही है, वैसे वैसे कई और चीजें ऑडियंस को फिल्म के प्रति एक्साइट करने लगी हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ डायरेक्टर के चेहरे आज हीरो के फेस से बड़े बन चुके हैं और कुछ प्रोडक्शन कंपनियां अपने बैनर के साथ ये आश्वासन देने लगी हैं कि हमारी फिल्म आपको कभी भी लेट डाउन नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, होमले फिल्म्स, जिन्होंने 10 सालों के भीतर में कन्नड़ा फिल्मों को रीजनल से ग्लोबल पहुंचा दिया, सन पिक्चर्स और लाइका प्रोडक्शन जो तमिलनाडु में बड़े बड़े प्रोजेक्ट को सेंशन करती है। वहीं बात करें तेलुगु फिल्मों की, तो यहां पर धीरे धीरे अपनी पकड़ बनाती जा रही है मैत्री मूवी मेकर्स, जो मुख्यतः तेलुगु फिल्मों को प्रोड्यूस और डिस्ट्रीब्यूट करती है। दोस्तों, इस कंपनी की शुरुआत नवीन यार नैनी, वाई रविशंकर और मोहन चेरुकुरी ने करी थी। साल 2015 में स्टार्ट हुई इस प्रोडक्शन कंपनी ने महज 2 से 3 सालों के भीतर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की कुछ बड़े सक्सेसफुल प्रोडक्शन हाउसेस में अपनी जगह बना ली। हालांकि साल 2019 में मोहन चेरुकुरी ने इस प्रोडक्शन हाउस को छोड़ दिया और अब मेनली नवीन यार नैनी और वाई रविशंकर ही इसको हैंडल करते हैं। दोस्तों, मैत्री मूवी मेकर्स की पहली पिक्चर थी श्री मथुडु। महेश बाबू स्टारर इस फिल्म का बजट 60 से 70 करोड़ था, क्योंकि महेश बाबू ने 2015 में अपने प्रोडक्शन कंपनी जी महेश बाबू एंटरटेनमेंट की शुरुआत करी थी। इसलिए इन दोनों प्रोडक्शन हाउस ने ज्वाइंट वेंचर के तौर पर अपनी पहली फिल्म श्री मथुडु रिलीज करी। क्योंकि ये दोनों प्रोडक्शन कंपनी की पहली फिल्म थी, इसलिए रिस्क को कम करने के लिए इन दोनों प्रोडक्शन हाउस ने हाथ मिलाया था। रिलीज के वक्त इस फिल्म का क्लैश को इंसिडेंसली बाहुबली 1 से होने वाला था। दरअसल इस फिल्म की रिलीज कई बार टली, दिसंबर 2014, मई 2015 और फिर फाइनली 17 जुलाई 2015 के लिए इस फिल्म की रिलीज डेट अलाउ करी गई। चूंकि ये बाहुबली के रिलीज के अगले हफ्ते की डेट थी और महेश बाबू की फिल्म के रिलीज होने का मतलब था किसी भी फिल्म के बिजनेस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ना, इसलिए बाहुबली के मेकर्स की रिक्वेस्ट पर इस फिल्म को 7 अगस्त को रिलीज किया गया। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 180 से 200 करोड़ के करीब कमाई करी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। दोस्तों, ये फिल्म बाहुबली 1 के बाद उस साल की सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म थी। डेब्यू शानदार रहा और प्रॉफिटेबल रहा। इस फिल्म के डायरेक्टर थे कोरताला शिवा और अगेन इन्हीं को लेकर मैत्री मूवी मेकर्स ने अपनी अगली सोलो फिल्म प्रोड्यूस करी। ये फिल्म थी जनता गैरेज। जूनियर एनटीआर और मोहनलाल स्टारर इस फिल्म को 40 से 50 करोड़ के बजट में बनाया गया और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 135 करोड़ की कमाई करी। इसी के साथ ये फिल्म उस साल की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म भी कहलाई। जूनियर एनटीआर स्टारर इस फिल्म को 2016 में सबसे ज्यादा और ऑल टाइम में बाहुबली के बाद सेकंड हाईएस्ट ओपनिंग मिली। यानी कि दो फिल्मों से इस प्रोडक्शन हाउस ने गिरी से गिली हालत में 2 बिलियन का प्रॉफिट जनरेट किया। साल 2018 में कंपनी ने अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते हुए मल्टीपल प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, जहां इनकी थर्ड रिलीज थी रामचरण स्टारर रंग स्थलम। कंपनी का विजन और फिल्म सिलेक्शन का क्राइटेरिया आप इस फिल्म से साफ तौर पर देख सकते हैं। ये एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे सुकुमार सर ने डायरेक्ट किया था। रामचरण स्टारर इस फिल्म को बनाने की लागत थी 60 करोड़ और इस फिल्म ने 216 करोड़ की कमाई करी। इसी के साथ ये बाहुबली सीरीज के बाद पहली तेलुगु फिल्म थी जिसने 200 करोड़ प्लस का बिजनेस किया। ये फिल्म भी साल की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन गई और रामचरण के कैरियर की सबसे तगड़ी फिल्म मानी जाती है। दोस्तों, बताया जाता है कि मैत्री मूवी मेकर्स एक डायरेक्टर फ्रेंडली कंपनी है, जो डायरेक्टर को बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करती। वह डायरेक्टर को फुल फ्रीडम के साथ काम करने देती है, जिसके चलते डायरेक्टर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर इस कंपनी के पास अक्सर पहुंचते हैं। दोस्तों, इन्हीं 2 से 3 सालों के बीच ये कंपनी टॉक ऑफ द इंडस्ट्री बन चुकी थी। देन इसी साल रिलीज होती इनकी मूवी नागा चैतन्य स्टारर सव्यसाची और रवि तेजा की अमर अकबर अंथनी, और इन दोनों फिल्मों से कंपनी को बड़े झटके लगे। ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। हालांकि राहत की बात यह थी कि इन दोनों फिल्मों का बजट कम था। साल 2019 भी कंपनी के लिए कुछ खास नहीं रहा। चित्रलहरी को अगर छोड़ दें तो डियर कॉमरेड और नानीज गैंग लीडर तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई।
खैर उपेना इस प्रोडक्शन हाउस की 2021 की सबसे पहली फिल्म थी। वैष्णव तेज की डेब्यू फिल्म थी जहां बुच्ची बाबू सना जो कि एक नए डायरेक्टर थे उनको इस बार मौका दिया गया था। आपको बता दूं ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने रामचरण की मूवी रंगस्थलम में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था। बहरहाल 15 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 100 करोड़ प्लस की कमाई करी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ह्यूज ब्लॉकबस्टर रही। ये तेलुगु इंडस्ट्री में किसी न्यू कमर एक्टर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई जिसने रामचरण की चुरिट्ठा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। खैर अब मैत्री मूवी मेकर्स तैयार हो चुके थे अपने पैन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए। ये डायरेक्टर सुकुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था जहां पहली बार स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन को मैत्री मूवी मेकर्स ने अपनी फिल्म में कास्ट किया। ये फिल्म थी पुष्पा द राइस और इस फिल्म का बजट बहुत ही तगड़ा रखा गया। तकरीबन 200 करोड़ के बजट के साथ बनाई गई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 373 करोड़ की कमाई करी और अगेन 2021 की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म कहलाई। अपने ब्रेक इवन को बीट करते हुए पुष्पा द राइस को एक ब्लॉकबस्टर फिल्म की वर्डिक्ट मिली। ये मैत्री मूवी मेकर्स की अब तक की सबसे बड़ी सक्सेस मानी गई जिसने हिंदी बेल्ट में भी 100 करोड़ प्लस की कमाई करी। इसके बाद कंपनी ने अगेन महेश बाबू के साथ एक फिल्म प्रोड्यूस करी। ये फिल्म थी सरकारी वारू पाता। 130 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 180 करोड़ की कमाई करी और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही। इसके बाद अंत्य सुंदरा निकी और हैप्पी बर्थडे जैसी फिल्में रिलीज हुई। दोस्तों शायद ही कोई प्रोडक्शन हाउस ऐसा होगा जो अपनी फिल्मों को एक ही दिन पर क्लैश करा दे। 2023 के संक्रांति पर मैत्री मूवी मेकर्स की दो फिल्में एक ही दिन पर रिलीज हुई। आई मीन एक दिन के अंतराल में। एक थी वीरासिम्बा रेड्डी और दूसरी थी वल्टायर वरैया, जहां वल्टायर वरैया सक्सेसफुल रही और वहीं वीरासिम्बा रेड्डी को एक एवरेज फिल्म के तौर पर कंसिडर किया गया। इसके बाद मैत्री मूवी मेकर्स के कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट जरूर रिलीज हुए जो बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। बहरहाल इनके आने वाले प्रोजेक्ट बहुत ही तगड़े हैं। पहली फिल्म में खुशी स्टारिंग विजय देवराकोंडा और समंथा। इसके बाद इन्होंने एक मलयालम फिल्म भी प्रोड्यूस करी है जिसका नाम है नादिकर तिलकम। इस फिल्म के मेन हीरो हैं तोविनो थॉमस। इसके अलावा पवन कल्याण स्टारर उस्ताद भगत सिंह, NTR 31 और रामचरण स्टारर RC 16 इस कंपनी के कुछ आने वाले मोस्ट प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट हैं। इन सबके बीच अपने पुष्पा भाऊ को कैसे भूल सकते हैं। दोस्तों पुष्पा द रोल ये प्रोडक्शन हाउस की सबसे महंगी फिल्म होने वाली है जिसका बजट 500 करोड़ के करीब बताया जा रहा है। इसके काफी ज्यादा चांसेस हैं कि इस फिल्म के थ्रू मैत्री मूवी मेकर्स 1000 करोड़ के क्लब को ज्वाइन करेगी। फिलहाल ये रही मैत्री मूवी मेकर्स की हिस्ट्री। आपको इनकी फिल्में कैसी लगती हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ इस प्रोडक्शन कंपनी की आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपने होमले फिल्म पर हमारा डेडिकेटेड वीडियो नहीं देखा है तो उसके लिंक भी आपको ऊपर आई बटन और इंड स्क्रीन पर दी गई है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका